भारत चीन सीमा पर हालात असामान्य दिखने पर भारतीय सैनिक किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं, ऐसा भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने कहा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने कहा है कि चीन के एयरबेस और नियंत्रण रेखा पर उनकी तैनाती की सभी जानकारियां हैं। चीन हर साल विवादित क्षेत्र में तैनाती और अभ्यास करता है, लेकिन इस बार उसकी गतिविधि बढ़ गई है, जिस पर पैनी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि चीन के साथ हालांकि भारत युद्ध की स्थिति में नहीं है, लेकिन किसी भी आकस्मिक स्थिति का जवाब देने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। LAC पर स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सामान्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है। भारत ने बॉर्डर पर सुखोई 30 MKI जगुआर मिराज 2000 विमानों सहित अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को ले और श्रीनगर सहित कई मुख्य एयरबेस पर पिछले 4 दिनों से तैनात कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने चीन के साथ लगती अपनी 3500 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सभी अग्रिम हवाई अड्डों को अलर्ट कर दिया है और संघर्ष के बाद की तैयारियों के तहत लड़ाकू विमान और हमलावर हेलीकॉप्टर जैसे अतिरिक्त संसाधनों की तैनाती की है। चीन विवाद पर राहुल गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है और कहा कि नरेंद्र मोदी असल में सरेंडर मोदी हैं। लद्दाख में LAC पर चीनी सेना में हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के मसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने रविवार को फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और उन्हें सरेंडर मोदी कह डाला। राहुल गांधी ने जापान टाइम्स के एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही, जिसमें लिखा है कि भारत चीन की तुष्टिकरण नीति पर चल रहा है। पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक में PM मोदी ने कहा था कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को सबक सिखाया है। इसी के जवाब में कांग्रेस ने सवाल दागते हुए कहा कि हमारे जवान किसके क्षेत्र में शहीद हुए हैं, ये बताने का कष्ट प्रधानमंत्री मोदी जी करें। उन्हें कहां मारा गया, सैनिकों को क्यों मारा गया। 900 साल बाद सूर्य ग्रहण के नज़ारे देखने के लिए लोग दिखे उत्सुक। अलग अलग स्थानों से दिखी सूर्य ग्रहण की कई तस्वीरें। रविवार को दोपहर 3:30 बजे के करीब खत्म हुए इस ग्रहण का अद्भुत और अभूतपूर्व नज़ारा राजधानी समेत कई हिस्सों में और दुनिया के अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। ज्योतिष में रविवार के दिन मृगशिरा तथा आर्द्रा नक्षत्र और मिथुन राशि में पड़ने वाले सूर्य ग्रहण को चूड़ामणि सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोपहर के 12 बजे के करीब दिल्ली और आसपास के इलाकों में शाम की तरह अंधेरा छा गया। राजस्थान के जयपुर में सूर्य ग्रहण दोपहर लगभग 11:55 से लेकर 1:44 तक दिखाई दिया। गुजरात के गांधीनगर में दोपहर 11:32 पर ग्रहण की अधिकतम दृश्यता के साथ 1:30 बजे के आसपास ग्रहण खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ रविवार को ही मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारी के अनुसार शहर के जूनीमार इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने रविवार सुबह इलाके को घेर लिया था और तलाशी अभियान शुरू किया। तलाश के दौरान ही आतंकवादियों ने गोली बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ हो गई और 3 आतंकियों को मार दिया गया। प्राधिकारियों ने शहर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को एहतियातन ठप कर दिया है। शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों के अधिकतर हिस्सों में आवागमन पर प्रतिबंध है। IG कश्मीर ने मीडिया को बताया कि एक घर में जब 3 आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली तो हमने गुप्त सूत्रों से उनकी पहचान कर ली और उनके माँ बाप को बुलाया ताकि आत्मसमर्पण करने की अपील की जा सके, लेकिन आतंकियों को भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जवाब में मार दिए गए। इनमें से 2 आतंकी 2019 से सक्रिय हैं और एक पिछले महीने 2 BSF जवानों पर हमला करने में शामिल था। भारत के सबसे प्रिय मित्र की श्रेणी में खड़े डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में फैली भूखमरी से घबरा गए। अब भारत को बड़ा झटका देने की तैयारी में खबर है कि ट्रंप बहुत जल्द H1B L1 समेत अन्य वीजा को रद्द कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में कोरोना वायरस से बेरोजगारी बढ़ी है, जिसके चलते ऐसा करना उनकी मजबूरी है। ट्रंप जल्द ही वीजा को रद्द करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। गौरतलब है कि H1B वीजा रद्द होने से सबसे ज्यादा परेशानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवर को होगी, क्योंकि भारत में IT प्रोफेशनल्स में सबसे ज्यादा फेमस है H1B वीजा। और अमेरिकी कंपनियां, हालांकि ये बताया जा रहा है कि अमेरिकी कंपनियों में पहले से कार्यरत जो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पेशेवर हैं उनको बहुत कम इससे प्रभाव होगा, उन पर कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से क्या कुछ तब्दीली देखने को मिलती है। भारत और चीन के बीच जारी विवाद पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि भारत और चीन के बीच जारी सीमा तनाव को कम करने के खातिर दोनों देशों के प्रतिनिधियों से उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन और भारत अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार करेंगे? ये सवाल आप पर छोड़ते हैं। बहरहाल आज के टॉप 5 में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए लॉगिन करें eRadioIndia.com। नमस्कार।